देश भर के तमाम सफाई कर्मचारियों ने कई सूत्रीय मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगाकर आंदोलनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। आंदोलनकारियों ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की है और वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी मांग की। सचिवालय कूच ने सरकार पर उनकी मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। सबसे पहले मांग हमारी है ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करनी। दूसरी मांग है हमारी जमीनों पे, जो सरकारी जमीनों पे हमारे लोग रह रहे हैं, उनकी मालकाना हक दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट है उसको खत्म किया जाए। और जो हमारी मांग है रियाल कमेटी जो है उसको लागू किया जाए। जो इनके गठित हुई थी 2 वर्ष पहले ये कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर ललित मोहन रियाल कमेटी गठित हुई थी, उसको जो है बिल्कुल लागू किया जाए। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये, जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे, सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी।